हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपिकास फैमिली में। फ्रेंड्स, होली आ रही है और सबको चिप्स बहुत पसंद है, तो आज हम आलू के चिप्स बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमने चिप्स काट दिए हैं और इनको धोएंगे अच्छी तरह से, 2 से 3-4 बार धो लेंगे। ये हमने गर्म पानी में डाल दिए हैं चिप्स, हम इनको ऐसे ही 2 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे और गैस फ्लेम कर देंगे ऑफ। 2 घंटे बाद फिर धूप में फैलाएंगे, इससे फ्रेंड्स चिप्स काले नहीं होते और अच्छी तरह गल जाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने सीट बिछा ली है साफ करके, ये एक प्लास्टिक शीट है, अब इन पे हम चिप्स फैलाएंगे। कम से कम 2 घंटे हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे चिप्स को भीगे हुए, अब उन्हें धूप में फैलाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने चिप्स सारे सीट पे फैला लिए हैं और इसमें मेरे बेटे ने भी मेरी हेल्प की है। देखिए चिप्स सूख चुके हैं और कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है इनमें, काफ़ी अच्छे हो गए हैं देखिए। और इन्हें हम फ्राई करके चाय के साथ आराम से या किसी भी नाश्ते में ले सकते हैं। मैं फ्रेंड्स आपसे कुछ ट्रिक्स भी शेयर करना चाहती हूँ इन्हें लेकर। सबसे पहली तो आप है ना, सिंपल नमक की बजाय आप सेंधा नमक ले सकते हैं, तो वो हम फ्रेंड्स फास्ट में खा सकते हैं, जैसे नवरात्रों के फास्ट हैं या कोई भी अगर आप करते हैं और उसमें हम नमक खा सकते हैं, तो आप जो आज अपने इसमें सिंपल नमक डाली है उसकी बजाय सेंधा नमक डाल सकते हैं। और सेकेंड ये है कि फ्रेंड्स 2 घंटे हमें प्रॉपर आलू को भिगोना है गर्म पानी में, अदरवाइज हमारे आलू काले पड़ सकते हैं, तो 2 घंटे कम से कम हमें भिगोना ही भिगोना आलू को। और फ्रेंड्स जो फ्लेम है गैस की, अगर जब हम पानी में डाल देते हैं चिप्स को, तो सिर्फ 1 मिनट तक ऑन रखनी है, उसके बाद फ्लेम बंद कर देनी है, मतलब गैस को बंद कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अगर आपको चिप्स जल्दी सुखाने हैं, तो पहले ना आप किसी टावल पे ले सकते हैं, कॉटन की टावल पे। अगर आपको चिप्स जल्दी सुखाने हैं तो किसी कॉटन की टावल पे, जो हमारी किचन टावल होती है, उस पे पहले उसका पानी सोख के और फिर उन्हें धूप में डालें। और फ्रेंड्स याद रखें, जो चिप्स हैं वो प्लास्टिक शीट पर ही डालें, नहीं तो फिर वो छूटने में प्रॉब्लम करती है। जब हमने 2 घंटे बाद उनको टर्न करते हैं, पलटते हैं, तो वो नहीं छूट पाते अगर हम किसी डायरेक्ट किसी कपड़े वगैरह पर डाल देते हैं। तो कोशिश करें कि पहले प्लास्टिक शीट पर ही डालें। एंड नेक्स्ट है कि फ्रेंड्स, और इसे हवा बंद डब्बे में ही रखें, खुले में ना रखें, नहीं तो ये सील जाएंगे और फिर ठीक से तले नहीं जाएंगे और जो इनका एक क्रिस्पी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।